नमस्कार, जय हिंद। मैं विशाल यादव और आप देख रहे हैं ओनली न्यू नेशन। राम जन्मभूमि में भी असुद्दीन ओवैसी की गुहार और चीख सभी लोगों ने सुना। अब सुन लीजिए जरा मथुरा पर, जब भगवान श्री कृष्ण को भी न्याय मिलने जा रहा है तो असुद्दीन ओवैसी की चीख पूरे भारत में गूंज उठी है। वही असुद्दीन ओवैसी और वही असुद्दीन ओवैसी के भाई जिन्होंने कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हिंदुओं की उनकी औकात दिखा देंगे, आज फिर इसी स्वर में नजर आए असुद्दीन ओवैसी। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और एक एक इंच जो जमीन अवैध निर्माण हो चुका है वो अब वसूलने का समय आ चुका है। क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर ओवैसी का बड़ा बयान, ओवैसी ने एक बार फिर मथुरा के एक सिविल कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दोबारा याचिका दे दी गई है। इसमें एक एक इंच जमीन वापस लेने की बात भी कही गई है। याचिका में कहा गया है कि ये भूमि भगवान कृष्ण के भक्तों और हिंदू समुदाय के लिए बहुत ही ज्यादा पवित्र है। बात करें कृष्ण जन्मभूमि की तो दोबारा मांग को लेकर मथुरा में दर्ज मुकदमे में AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि कृष्ण जनस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच विवाद का जब साल 1968 में फैसला हो गया था तो इसे फिर से जीवित करने की क्या ज़रूरत थी। जी हाँ, ये लाइन में फिर से आपको बताना चाहूँगा। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह ट्रस्ट के बीच विवाद का जब साल 1968 में ही फैसला हो गया था तो इस बात को दोबारा जिंदा करने की क्या आवश्यकता थी। ओवैसी ने यह भी कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के मुताबिक किसी भी पूजा यज्ञ स्थल के परिवर्तन पर मनाही है, ऐसा नहीं किया जा सकता। और भी ओवैसी ने ट्वीट करके भी कहा था, शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म सेवा संघ ने इस विवाद का निपटारा साल 1968 में ही कर दिया था, इसे अब फिर से जीवित क्यों किया जा रहा है। बता दें कि मथुरा के एक सिविल कोर्ट में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर दोबारा याचिका दे दी गई है। इसमें एक एक इंच जमीन वापस लेने की बात भी कही गई है। याचिका में कहा गया है कि ये भूमि भगवान कृष्ण के भक्तों और हिंदू समुदाय के लिए बहुत ज़्यादा पवित्र है। इस सिविल सूट के वकील विष्णु जैन ने दाखिल किया है। याचिका में कृष्ण जन्मभूमि की पूरी 13.37 एकड़ जमीन को लेकर दोबारा दावा किया गया है कि वकील विष्णु जैन ने कहा है कि साल 1968 का समझौता गलत था। जो 1968 में समझौता हुआ था कृष्ण मंदिर को लेकर और शाही मस्जिद को लेकर वो पूर्णतया गलत था और शाही ईदगाह मस्जिद को वहां से हटाया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म राजा कंस के कारागार में हुआ था। इस पूरे क्षेत्र को कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। कृष्ण इस जन्मस्थान मस्जिद ईदगाह ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा बनाई गई संरचना के ठीक नीचे है। यही नहीं बल्कि याचिका में कहा गया है कि मुगल शासक औरंगजेब अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिरों को तबाह किया और उसमें मथुरा का कृष्ण मंदिर भी था जिसे ढहा दिया गया था। सालों बाद यहाँ मंदिर के जो अंश है उसे भी मस्जिद बना दी गई। याचिका में ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के कथित अतिक्रमण और अवैध तरीके के निर्माण की बात कही जा रही है। याचिका में कहा गया है कि ये मस्जिद सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के सहमति से यहाँ पर बनाई गई थी। सोचिए साहब, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड के सहमति से मस्जिद बनाई गई थी। जो 1968 में हुआ था वो पूर्णतया गलत था। अब वक्त आ चुका है सही करने का। इसीलिए श्रद्धालु, देशभक्त और हिंदू को अपनाने वाले हिंदुत्व को बहुत ऊंचे आसमान तक ले जाने वाले लोग आज मथुरा में डटे हुए हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे हिंदू दोगले हैं जो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि ये गलत है, ये सही नहीं है। लेकिन आज जिस तरह से 125 करोड़ लोगों का आस्था का केंद्र बना राम मंदिर,
अब वहीं पर मस्जिद को भी ढहाना पड़ेगा और भारत में हिंदुत्व का झंडा लहराया जाएगा, क्योंकि बड़े क्रांतिकारी जो चाहते थे कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बने, नहीं बना, वो यहाँ से चले गए। लेकिन फिर भी अभी भी देशभक्त हैं, अभी भी हिंदू प्रेमी हैं, जो हिंदुत्व के अस्तित्व को मिटाना नहीं बल्कि उजागर करना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर कुछ दोगले हैं, दोगले हिंदू हैं, जो हिंदुत्व के अस्तित्व को मिटाने की बात करते हैं। लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है, ये बात हम नहीं बल्कि भगवान श्री रामचंद्र कह गए हैं, और अयोध्या में इसी सत्य की जीत पर आज आसमान को छूता हुआ भव्य राम मंदिर बनने जा रहा। ये सत्य की जीत है, बहुत तपस्या करनी पड़ी, कई साधुओं ने तपस्या की है तब जाकर के राम मंदिर बना है। अभी भी तपस्या जारी है कृष्ण मंदिर के लिए, और जैसे ही कृष्ण मंदिर का फैसला आता है, जरूर उन हिंदुओं के दिल में ज्वाला उठेगी, उन हिंदुओं के अंदर खुशी की लहर उठेगी जो सचमुच भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। लेकिन दोगले हिंदुओं की मैं बात नहीं कर रहा हूं, और असुद्दीन ओवैसी होते कौन है, असुद्दीन ओवैसी होते कौन है, जब एक वकील कह रहा है कि 1968 में जो हुआ था वो औरंगजेब की तानाशाही थी, इन्हीं की हाई कोर्ट थी, और इन्हीं की हाई कोर्ट ने मंदिर ढहाकर मस्जिद बनाने की बात कही थी, वो फैसला नहीं था। आज आपकी भी, असुद्दीन ओवैसी से मैं कहना चाहता हूँ, आज आपकी भी 15 करोड़ 20 करोड़ कहते जो हो वो हो, तो आइए सामना कीजिए, आप दिखाइए सत्य। जब आप सत्य दिखा देंगे तो वहाँ मस्जिद ही रहेगी, लेकिन रोने रोने से, थाली बजाने से और नौटंकी करने से ये साबित नहीं होता है कि वहाँ पर मस्जिद थी। अगर मस्जिद थी तो रहेगी, अगर नहीं है तो खुदाई में, साहब खुदाई में सब सामने आ जाएगा, जैसा कि अयोध्या में आया था। और जैसे ही सच्चाई सामने आएगी, वहीं पर ये देशद्रोही कठमुल्ले, देशद्रोही जो हिंदू हैं, मैं स्पेशल किसी कास्ट के ऊपर प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ, किसी कास्ट को मैं यहाँ पर अपशब्द नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो दोगले हिंदू हैं उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है मुल्लों से, और आज वही लोग मुल्लों की भाषा बोल रहे हैं। आज देश में जो हिंदुत्व को बढ़ाने की बात होती है, तो वहीं पर एक मुस्लिम समाज है जो हिंदुओं पर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वही मुस्लिम समाज अपनी संख्या को, अपनी जनसंख्या को, अपने अस्तित्व को बढ़ाने की बात करता है, तो कोई भी हिंदू विरोध नहीं करता है, क्योंकि ये सेकुलर देश है। जी हाँ, ये सेकुलर देश है, और सेकुलर देश में क्या क्या होता है आपने सब देख लिया, और अभी और भी देखेंगे होता क्या। तो चलिए, भगवान श्री कृष्ण की खबर थी, इसीलिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को शेयर भी करें। बने रहिए ओनली न्यू नेशन साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।